हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा डाइट प्लान लेकर आई हूँ जिससे कि आप 1 वीक में आप 10 kg वेट लूज़ कर सकते हैं, यानी पर डे आप 1 kg लूज़ कर सकते हैं। तो टोटल 1 वीक में आप 10 kg लूज़ कर देंगे या उससे ज़्यादा, 1 वीक में 7 डेज में 10 kg भी लूज़ कर सकते हैं, 1 डे में 1 kg से ज़्यादा भी, और मिनिमम आप 4 to 5 kg तो ईजिली लूज़ कर देंगे। अब आपको यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक दिन में 1 किलो से भी ज़्यादा वेट लूज़ हो सकता है। बिल्कुल, अगर आप ये डाइट प्लान जो आपको आज बताने जा रही हूँ अगर आप सेम एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो आप ऐसा बिल्कुल पॉसिबल होगा। आपको 1 वीक में सिर्फ 10 दिन आप ऐसा फॉलो करिए और आप फिर देखिए आपकी बॉडी में क्या रिजल्ट मिलता है आपको। आपने तो देखा ही है, जैसे हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स हैं, जैसे एक्टर एक्ट्रेस हैं, बहुत जल्दी अपना वेट गेन भी कर लेते हैं, बहुत जल्दी लूज़ भी कर लेते हैं। लेकिन आप ऐसे ही डाइट के लिए अगर आप कहीं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसे डाइटिशियन जो होते हैं हमसे बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। हम वेट तो लूज़ करते हैं बट उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन मैं उन्हीं डाइटिशियन का स्पेशली आपको डाइट प्लान बता रही हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर करके। अब वही डाइट प्लान है जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी वेट लूज़ कर पाएंगे। हमारे सेलिब्रिटी आपने देखा है दंगल मूवी में, आमिर खान ने कितनी जल्दी वेट गेन किया और लूज़ किया, एग्जैक्टली ये वो डाइट प्लान फॉलो करते हैं। सेम एज इट इज़ भूमि है, भूमि जो एक्ट्रेस है उसने भी एक फिल्म में अपनी बहुत ज़्यादा वेट गेन किया और लूज़ किया। तो ये लूज़ और गेन ये मेडिसिन के बेसिस पर नहीं होता या कोई चीज़ वो अप्लाई नहीं करते या कोई ऐसे पिल्स नहीं खाते, बल्कि एग्जैक्टली हेल्दी डाइट लेते हैं। अगर आप भी हेल्दी डाइट लें तो आपका भी इजीली वेट लूज़ हो जाएगा। अगर हम सोच रहे हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई भी चीज़ ऐसी करते हैं और डाइट हम उतनी ही ज़्यादा लें और फिर भी पतले नहीं होंगे, फिर भी हमारा फैट बढ़ता ही रहेगा, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा डाइट। हम डेली क्या खा रहे हैं, डेली हम ऐसी क्या चीज़ें खा रहे हैं हमारा वेट बढ़ भी रहा है और कम नहीं हो रहा, और कम होना भी हमारे ही हाथ में है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वहाँ बेल आइकन उसको प्रेस करना कभी मत भूलिए ताकि आपको मेरा वीडियो का अपडेशन डे बाय डे मिलता रहे और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकें। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को बहुत सारा लाइक करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ आपके लिए, मतलब बहुत पॉजिटिव सोचूँ, मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिले कि सब लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, लाइक दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँ हमेशा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइट प्लान कैसा है और हमें क्या खाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, वेट तो सब लोग कम करना चाहते हैं लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि बढ़ता कैसे? तो आज आपको मैं बताती हूँ कि हमारा वेट बढ़ कैसे जाता है। सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है कि वेट हमारा किन चीज़ों से बढ़ रहा है। वेट कम तो हम सब आगे भी प्रोसेस करें। जब हम एक मेन चीज़ जानेंगे कि वो चीज़ कैसे हो रही है, अगर हमारी जैसे आइज़ हैं, वो सोचते ना कि हमने टीवी ज़्यादा देखा तो हमारी आइज़ अनफिट हो गई, स्पेक्स लग गया, तो ऐसे भी कोई भी चीज़ अगर हम सोल्यूशन ढूंढते हैं उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो हुआ कैसे, तो हम उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करें और हमारा वेट भी कंट्रोल में रहे। सोल्यूशन आपका कुछ दिन इफेक्ट करेगा लेकिन अगर आप उसको परमानेंटली देख लेंगे कि उसकी एग्जैक्ट जड़ क्या है, अगर हम क्या गलत चीज़ खा रहे हैं, तो उससे आप हमेशा के लिए निजात पा पाएंगे, मतलब वो कभी भी चीज़ रिपीटेशन नहीं होगा आपकी लाइफ में। तो अगर आप देखते हैं, अगर आप फ्रेंड्स कोई भी चीज़ खा रहे हैं, आप जैसे खाना खा रहे हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं, तो हमें 3 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है वो, एक तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, साथ में मिनरल्स और विटामिन्स भी मिलते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें हमें खाने से जो हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होता है। ये 3 चीज़ें अगर हम खा रहे हैं और हमारा रिलीज हम ज़्यादा नहीं करें तो हमारा फैट बढ़ने लगता है। कार्बोहाइड्रेट हमें किस चीज़ से मिलता है? हमें अनाज से हमें मिलता है, रोटी हम जो खाते हैं उससे मिलता है, चावल से मिलता है, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब हमने खा लिया और कैलोरीज हमने बर्न कर ली, अगर हम सो रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो भी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, लेकिन अगर मैं यही खाती रहूँगी और कैलोरीज बर्न नहीं करूँगी, मतलब लेज़ी बर्न में बैठी रहूँगी, कुछ एक्सरसाइजेस नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, अगर हेल्दी खाना भी नहीं खाऊंगी, तो ये कहाँ जाएगा? ये मेरे बॉडी में फैटी तो बढ़ाएगा जब इसको मैं रिलीज़ नहीं करूँगी, एक्स्ट्रा खाऊंगी, और उसको रिलीज़ करना भी तो ज़रूरी है। जितना हम इनटेक करें उतना हमें आउट भी करना है अपनी बॉडी से। अगर हम इनटेक ज़्यादा करेंगे तो बट ऑफ वैसे हमारा फैट बढ़ता रहेगा। फैट बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हम इनटेक ज़्यादा करते हैं और हमारे आउटपुट एक्टिविटी कम होती है। हमने खा ज़्यादा लिया, हम कुछ नहीं करा, हम बैठे रहे, टीवी देखा, ये सब काम किया, सिटिंग जॉब है, फिर बैठे रहे, और वो हमारा आउटपुट हुआ नहीं। तो फैट कभी भी रुकेगा ही नहीं जब एक्सरसाइज करें। बहुत लोग सोचते हैं आज हम मोटे हो गए या वेट बढ़ गया तो हम कल से जिम जाएंगे, बट ये हमारी मेंटालिटी होती है। यही मेंटालिटी अगर हम पॉजिटिव सोचें कि मैं पतला होना तो हम हो जाएंगे हेल्दी डाइट लेने से, लेकिन हम लोग क्या मेंटालिटी रखते हैं कि मैं जिम गई थी 1 घंटा तो मेरे में फ़र्क आया। लेकिन
ऑनेस्टली बता रही हूँ, 100% में से 10% सिर्फ जिम इफेक्ट करता है, एक्सरसाइजेस इफेक्ट करती हैं, बाकी जो सब कुछ 90% रोल होता है वो डाइट के ऊपर होता है। अगर आप डाइट हेल्दी ले रहे हैं तो जिम भी आपको तभी इफेक्ट दिखेगा। जैसे आप जिम कर आए, अभी मैं जिम कराई, एक्सरसाइज करी घर पे, कुछ भी करा, योगा करा, तो मुझे अभी लाइट लाइट फील होगा, मेरा टमी बहुत हेवी था या मेरी बॉडी बहुत हेवी लगा था बैठने में उठने में, वो लाइट फील होगा। लेकिन अगर आप उतना ही फिर डबल खा लेंगे तो ना आपका फैट कम होगा ना आपका बॉडी वेट आपको हल्का फील होगा, वापस आप उसी चीज़ में आ जाएंगे। तो डाइट प्लान एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। जितना हम इनटेक कर रहे हैं उतना ही हमें रिलीज़ करना चाहिए अपनी बॉडी से, जितना हम रिलीज़ करेंगे उतना ही हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी, फिट रहेगी और हम मोटे भी नहीं होंगे। तो अब आपको मैं बताती हूँ क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें छोड़नी चाहिए अपने डेली रूटीन में से। हमें एक तो फ्रूट जूसेस नहीं पीने चाहिए। फ्रूट जूसेस में क्या होता है, हम उसमें सिर्फ जब जूस निकालते हैं किसी भी, हमें डायरेक्ट फ्रूट खाना चाहिए। खाने पे भी मैं आऊँगी, अभी मैं नहीं खाने की लिस्ट बता रही हूँ आपको। वैसे लिस्ट ये पूरी स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको उसमें से कुछ पार्ट बताऊँगी। हमें जो है फ्रूट्स का जूस नहीं पीना चाहिए, डायरेक्ट फ्रूट खाना चाहिए, क्योंकि जूस पीने से उसके फाइबर्स निकल जाते हैं। फाइबर्स निकलने से हमें वो जूस होता है सिर्फ वो उसमें शुगर लेवल बढ़ा देता है, चीनी बढ़ जाती है, जिससे हमारा क्या होता है फैट बढ़ने लगता है। साथ में ऐसे कोकोनट है, कोकोनट क्या होता है, नारियल जो अगर हम वैसे खाते हैं तो उसमें ऑयल ज़्यादा होता है तो हमारा फैट बढ़ता है। अगर आप ये कोकोनट वाटर पियेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में हमें राजमा छोले इन सब का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ाते हैं बॉडी में, डाइजेस्ट नहीं होते लोग, बहुत से पंजाबी फैमिली हो, कोई भी फैमिलीज हो, इवन हम सब लोग यही करते हैं कि रात में हम लोगों का फिक्स होता है कि राजमा चावल, छोले चावल, ये सब फिक्स खाने ही खाने हैं, नहीं मिलते तो हम बाहर से खाते हैं। तो यही सब चीज़ें जो होती हैं हमारे बॉडी का फैट बढ़ाती हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। साथ में हमें शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, कोशिश करनी है कि कम करना है। अब आप एक दिन में आपको मैं कहूँ शुगर बंद कर दो, आप बंद कर दोगे आज मेरी वीडियो देखकर, नेक्स्ट डे से आप फिर से खाएंगे क्योंकि आप रह नहीं पाएंगे, आपकी हैबिट है। तो कोई भी चीज़ अगर आप स्किप करना स्टार्ट करें तो धीरे धीरे करिए। ऐसी बहुत सारी लिस्ट है जिसका जो स्क्रीन पे मेंशन है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। अब आपने बोला ये जो स्क्रीन पे तुमने मेंशन करा है ये सब चीज़ें नहीं खानी, तो खाना क्या है, आप खाने का ऑप्शन आता है, लेकिन आप घबराइए मत, खाने के लिए भी उतने ही ज़्यादा ऑप्शन है। मैं आपका खाना बंद नहीं करूँगी, आपको बिल्कुल डाइटिंग करने के लिए नहीं कह रही हूँ। डाइटिंग तो ऐसा होता है कि 10 दिन बाद आप फिर से खाना खाएंगे, वापस उसी शेप में आ जाएंगे। डाइटिंग नहीं करनी, खाना खाना है, प्रॉपर खाना खाना है, बस उसको डिवाइड कैसे करना है, जैसे हम तीन बार खाना खाते हैं, तीन टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इन तीन टाइम के खाने को हमें 5 छोटे मील्स में डिवाइड करना है, ताकि हम एक बार में ज्यादा खाना भी ना खाएं और बीच में जब भूखे रहे तो हम जंक फूड की तरफ भी नहीं भागें। कैसे मील हमें डिवाइड करना है, सुबह हमें खाली पेट नींबू पानी पीना है या ग्रीन टी पीनी है, जिससे हमारी बॉडी के सारे वेस्ट टॉक्सिंस निकल जाए और हमारी स्किन भी हेल्दी रहे, बॉडी भी फिट रहे। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है मॉर्निंग में, आपको 250 ग्राम धनिया, 250 ग्राम आपको पुदीना लेना है, उनको मिक्सी में पीस कर उनकी चटनी बना लेनी है। लेकिन इसमें आपको लेमन और नमक नहीं डालना, क्योंकि अगर आप लेमन और नमक डाल लेंगे ना तो आपको उससे क्या होगा, आप स्टोर करके नहीं रख पाएंगे, आपको डेली बनाना पड़ेगा। इससे आप फ्रेश, आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा इजीली। लेकिन जब नेक्स्ट डे आप पिए, आप इसको गुनगुने पानी में, हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच घोल कर मिक्स करके पी लें। मिक्स करने से क्या होगा, इसमें साथ में आप टेस्ट के लिए नॉर्मल सॉल्ट मत डालिएगा, काला नमक प्रेफर करेगा, अगर नहीं हो आपके पास तो आप मार्केट से ला सकते हैं, लेकिन उस दिन भी वेस्ट मत करिए, उस दिन भी आप पीजिए, लेकिन नॉर्मल नमक के साथ पी लीजिए। स्किप आप एक दिन भी करेंगे तो वो एक दिन हमारे वेस्ट क्यों करना, हमें आज से ही स्टार्ट करना चाहिए। जब भी आप मेरा वीडियो देखेंगे तभी से आप ये चीज़ें स्टार्ट करें, तो आपको देखना बहुत टेस्टी लगेगा ये पीने में। मैं डेली पीती हूँ तभी आपसे शेयर कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा है, हमारा डाइजेशन जो है इंप्रूव कर देता है। आपको खुद फील होगा कि आपको जो हैवीनेस लगता था ना मॉर्निंग में, बहुत सिकनेस होती है, कई बार वॉमिटिंग जैसा लगता है या बहुत हैवी हैवी लग रहा होता है, तो वो भी नहीं लगेगा। ये इसको कोई भी इंसान पी सकता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। धनिया पुदीना डाइजेशन के लिए आप सब जानते हैं कि बहुत अच्छा होता है, तो ये कैसे हार्मफुल हो सकता है। आप ये पीजिए और हेल्दी रहिए। इसके बाद आप मेरी दिखाई हुई वीडियो, जो आपने मैं अपने मेरी लास्ट एक्सरसाइजेस देखी हैं, कोई भी फॉलो करिए। मॉर्निंग एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा होता है, आप वो एक्सरसाइज करिए, फिर आपको देखिए कितना जल्दी इफेक्ट आएगा। अब हम आते हैं 10 बजे के ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में आपको क्या खाना है, आपको खाना है सैंडविच। सैंडविच सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सैंडविच में आपको जो यूज़ करना है वो आपको मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करनी है या आटे वाला ब्रेड यूज़ करना है। मैदा हमें नहीं खाना, मैदा तो डाइजेस्ट नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होगा तो आप जानते ही हैं क्या होगा, फैट बढ़ जाएगा, तो आप वेट कैसे लूज़ करेंगे, गेन ही गेन होगा वेट आपका। आपको आपको आटे की ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड लेना है, उसमें आपको
साथ में टमाटर, प्याज और खीरा आप उसमें इत्यादि आप उसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में जो आपने चटनी बनाई थी, जो आपने रेसिपी मॉर्निंग में भी, आप वो चटनी भी उसमें लगा कर खा सकते हैं। मेयोनीज सॉस इन सब का इस्तेमाल मत करना। मेयोनीज कभी कभार तो ठीक है ये सब चीज़ें, लेकिन डेली अगर हम खाएंगे तो हमारे डाइट प्लान बिल्कुल भी डाइट प्लान नहीं रहेगा, वो अनहेल्दी फूड में ही आ जाएगा। साथ में आप ये चीज़ खाएंगे तो आपको पूरा दिन भूख भी नहीं लगेगी, इजीली आप 4 पीसेस खा सकते हैं ब्रेड के। अगर आप ब्राउन ब्रेड नहीं खाना चाहते, मॉर्निंग में आपका मन नहीं है कि आप एक दिन खा चुके हैं, तो नेक्स्ट डे आप फ्रूट खा सकते हैं। कोई भी सीजनेबल फ्रूट हो, विंटर्स हो या समर्स, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा सीजनेबल फ्रूट होगा, आप उसको खाइए। क्योंकि स्पेशली जो मैंने आपको स्क्रीन में मेंशन करा, एक्सेप्ट उन फ्रूट्स के अलावा कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और उसमें इतना फाइबर्स होने की वजह से हमारी जो भूख है वो कम कर देता है, और हमारे लिए हेल्पफुल भी है, हेल्दी भी होता है, कैलोरीज बहुत कम होती हैं और हमारा फैट अपने आप ऑटोमेटिक कंट्रोल में रहता है, बढ़ता नहीं है। फ्रेंड्स, अब आपको ब्रेकफास्ट के बाद, जैसे आपने अगर सैंडविच खाया, अगर आपने वो खा लिया या आपने फ्रूट्स खाए हैं, तो उसके बाद आपको लंच से पहले जो मिड में, आपको मिड मॉर्निंग में अगर आपको थोड़ा सा भूख लग रही है या आपका मन कर रहा है बाहर का कुछ खाने का, तो उससे बेटर आप क्या करिए, आप ग्रीन टी पीजिए। ग्रीन टी क्या होता है, हमारे एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स बाहर निकाल देती है, हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है और वेट लॉस में भी हेल्प करती है। इसके साथ अगर आप ग्रीन टी नहीं पीना चाहते, तो आप कोई भी जो मिल्क है, लो फैट मिल्क अवेलेबल होता है, ब्रांड्स में अवेलेबल है, आप वो वाला पीजिए। लो फैट मिल्क जो आते हैं, डबल टोन मिल्क हो, दूध होता है, वो पीजिए, उसमें फैट बिल्कुल नहीं होता। अगर डबल टोन आपको नहीं मिल रहा, तो आप नॉर्मल दूध जो मिले रहे हैं उसको भी उबाल कर, उसकी मलाई बिल्कुल हटा कर आप वो वाला पीजिए, ताकि आपके अंदर कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं जाएँ एक्स्ट्रा। साथ में ही आप इसके साथ बादाम खा सकते हैं, ग्रीन टी पीजिए, नहीं तो आप दूध पीजिए लो फैट वाला, उसके साथ में बादाम खाइए, जो बहुत हेल्दी होते हैं हमारे लिए। भीगे बादाम खाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने रात को भिगो के रखे और आप उस दिन में खा रहे हैं, मिड मॉर्निंग में अगर आप खा रहे हैं, अपनी मील में ऐड कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप कैसे भी खा सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बादाम खाने से इंस्टेंट एनर्जी भी मिल जाएगी आपकी और भूख भी कंट्रोल रहेगी। अब हम आ जाते हैं लंच पर, जो हमें लंच करना है। लंच में आप जितनी भी रोटी खाते हैं उसमें से आपको एक माइनस कर देनी है, अगर आप 3 खाते हैं तो 2, 2 खाते हैं तो 1 कर देनी है। 1 अगर आप खा रहे हैं तो आपको ये नहीं कह रही है बिल्कुल बंद कर दीजिए, रोटी मत खाइए, सब्जी ही खाइए, 1 खा रहे तो बिल्कुल उसको खाते रहिए, ऐसा मत सोचिए कि 1 को भी माइनस कर देना है। तो आप 1 खाइए रोटी और उसकी जगह आप सैलड लीजिए, आप खीरा खा सकते हैं, आप ककड़ी खा सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आप जो उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, हेल्प करता है, हमारी स्किन ग्लो करता है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो आप सैलड ज़्यादा खाइए अगर आपको भूख लग रही है। आप दाल सब्जी भी ज़्यादा खा सकते हैं, दाल सब्जी का बहुत बेनिफिट होता है, ग्रीन वेजीज अगर आप खाते हैं तो आप उनको माइनस मत करिए, सिर्फ रोटी को माइनस करिए, क्योंकि रोटी हमारा पेट जो है फुला देती है, वेट बहुत जल्दी बढ़ाती है। तो जितनी भी रोटी खाते हैं उसमें से माइनस करिए, 1 खाते तो बिल्कुल इसको खाइए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं इवनिंग में। अब हमें डिनर से पहले, हमने लंच कर लिया लेकिन हमें बीच में भूख तो लगेगी ना, कुछ खाने का मन करेगा, तो अब हम क्या खा सकते हैं आपको मैं वो बताती हूँ। फ्रेंड, लंच के बाद जब हमें बीच में जो टाइम होता है 5 या 4 बजे का या 6 बजे का जो टाइमिंग होता है, उसमें हमें भूख लग जाती है लंच के बाद, तो डिनर से पहले, मिड इवनिंग उसके हम नाम दे सकते हैं। मिड इवनिंग में जब हमें भूख लगती है तो आप बिस्किट्स, वेफर्स, इन सब की जगह समोसा, सब की जगह पे हम क्या खा सकते हैं, हम लोग हेल्दी स्नैक्स खा सकते हैं। हेल्दी स्नैक्स में क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं, आप मार्केट में देखेंगे कि आपको ओट्स के बिस्किट भी मिलते हैं जो बहुत हेल्दी हैं, उसमें कैलोरीज ज़्यादा नहीं होती। आप कोई भी बिस्किट जो आते हैं ना, जो गेहूँ वाले बिस्किट्स होते हैं जिसमें फाइबर्स वाले बिस्किट्स भी अवेलेबल होते हैं, आप वो खा सकते हैं, उसमें फैट नहीं होता, कैलोरीज नहीं होती, आप वो बिस्किट्स खा सकते हैं। साथ में ही आप चने, जो चने भुने हुए मार्केट में मिलते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, आप वो खा सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो डबल बेनिफिट होगा, चने खाने से क्या होता है, गर्मी में हम चने खाते हैं भुने, तो आप बहुत एनर्जी रहेगी आपकी बॉडी में, बहुत हेल्पफुल होता है, एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को। और साथ में उससे क्या होता है, हमें प्यास लगती है, प्यास लगने से क्या होगा, पानी हम ज़्यादा पियेंगे। मैं आपको हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, सबसे ज़्यादा वेट लॉस में हेल्प ही हमें पानी करता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा पानी डेली पियेंगे ना, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप किचन में काम कर रहे हो, आप ऑफिस टेबल के आगे बैठे हैं या आप कॉलेज में बैठे, अपनी वाटर बॉटल साथ में लेके बैठे और थोड़ा थोड़ा सिप सिप पानी पिए, आपको पता भी नहीं चलेगा आप जो है ईजिली इतना सारा पानी पी जाएंगे। एक दिन में जो रेशो होती है पानी की, आप 8 से 12 ग्लासेस या 12 ग्लासेस भी ऊपर आप पी जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आप बीच में सिप सिप करके पिए, एक साथ पिएंगे तो आपका पेट भर जाएगा, आप 1 घंटे तक नहीं पिएंगे, 2 घंटे तक नहीं पिएंगे। सिप सिप पानी में क्या होता है, हमें पता भी नहीं चलता, काम के बीच में हम इजिली इतना सारा पानी पी भी जाते हैं, जो रेशो होती है हम कवर अप भी कर जाते हैं। तो इजिली चने जो है सबसे बेस्ट सोर्स है हमारा पानी की मात्रा बढ़ाने का बॉडी में, कि हमें इजिली प्यास लगती रहेगी और हम पानी पीते रहेंगे, तो डबल बेनिफिट हो जाएगा आपको। चने खाने से आपकी बॉडी में एनर्जी भी आ जाएगी, आपकी भूख भी कंट्रोल हो जाएगी और आप पानी भी ज़्यादा पियेंगे, तो आपकी स्किन, आपकी बॉडी सब हेल्दी रहेगा।
उसके बाद हम आते हैं डिनर पर। डिनर में हमें क्या खाना चाहिए? जो भी आप रोटी खाते हैं सेम वही चीज़ करिए, उसमें से एक स्किप करिए। सैलेड आप ज़्यादा खाइए रोटी के टाइम, डिनर टाइम में भी, और उसमें आप चिकन खा सकते हैं। चिकन, जो नॉन वेजिटेरियन है जिनको चिकन खाने की हैबिट है, बिल्कुल खाइए चिकन। मैं ये नहीं कहती मत खाइए, लेकिन उसमें ऑयल का इस्तेमाल कम करिए, ऑयल कम खाइए, मसाले कम डालेंगे तो आपका फैट अपने आप ही नहीं बढ़ेगा। नॉर्मल मसाले नमक में डाल के आप कम ऑयल में पका के खाएँ, या आपके घर में माइक्रोवेव है तो उसमें आप ग्रिल करके खा सकते हैं, तो उससे आपका ऑयल अंदर नहीं जाएगा। तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट, चिकन से जो मिलने वाले पोषक तत्व हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और आपका मूड भी बना रहेगा, आपका स्वाद भी बना रहेगा। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करिए। जो वेज खाते हैं वो पनीर का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, पनीर बहुत हेल्दी होता है। अगर आप पनीर को भी ऐसे ही कम घी में पका के खाइए, यानी बटर, वो आप कोई भी रेसिपी जो होती है पनीर में जिसमें बटर डलता है वो खा रहे हैं, तो उतना आपका फैट बढ़ जाएगा। आप कच्चा पनीर खाइए, डिनर के साथ आप पनीर की सब्जी खाइए, कम घी डालिए उसमें। तो ये बहुत हेल्दी डाइट है जो मैंने आपसे शेयर करी है। अगर आप ये डाइट प्लान 10 दिन भी फॉलो करते ना, आप श्योरिटी देती हूँ मैं आपको कि आप 4-5 केजी तो ईजिली लूज़ कर लेंगे। और साथ में अगर आप ज़्यादा लूज़ करना चाहते हैं तो डिनर टाइम में खाना बिल्कुल स्किप करके आप क्या करिए, आप कोई भी सूप बना लीजिए, वेजिटेबल्स को बॉईल करके नमक मिर्च डालकर, जैसे भी आपकी जो भी सीजनेबल वेजिटेबल अवेलेबल हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, पनीर उसमें ऐड कर सकते हैं, आप गाजर उसमें ऐड कर सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं उसमें, आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये सबको बॉईल करके नमक मिर्च और अपने अकॉर्डिंग गरम मसाला ऐड ऑन कर सकते हैं, और एक हेल्दी सूप पी के सोइए, तो फिर आप देखिए आपका 10 kg डेफिनेटली लूज़ हो जाएगा। अगर आप 4-5 kg लूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वाला डाइट प्लान फॉलो करिए, एकदम से आप नहीं छोड़ पाएंगे खाना। और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ये वाला डाइट प्लान यानी सूप पीजिए रात के डिनर में, बाकी सारा डेली मॉर्निंग टू यही इवनिंग आप रिपीटेशन करिए डेली। तो आपको मेरा ये डाइट प्लान कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना मैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ अपने नेम्स, अपनी सिटी का नेम ज़रूर मेंशन करना, ताकि मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के उनका रिप्लाई करूँ। स्पेसिफिक मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं हर वीडियो के एंड में आप लोगों के नाम लेकर आपका जो भी आपने मुझे कमेंट करा होगा तो मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। और अभी तक आपने मुझे इतना प्यार दिया, आपने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था डाइट प्लान का, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। दिल से चाहती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और जो डाइट प्लान मैंने फॉलो करती हूँ ना, सिर्फ मैं वही आपसे शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं अपनी ईशा को पसंद करते हैं तो बहुत सारा लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिए, उस घंटी को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेशन डे बाय डे मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, लव वन सबके साथ शेयर करें, जैसे आप अपना व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं तो ईशा की वीडियो भी शेयर करें, ताकि आप सबको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिले, और आप फिट एंड फिट रहें और स्माइल करते रहें हमेशा, मुझे याद करते रहें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।